नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लगने से 25 यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बस दुर्घटना का दुख व्यक्त कर मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया कि एक निजी ट्रेवल्स की बस नागपुर से पुणे जा रही थी। रास्ते में बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ राजा के पास शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे बस डिवाइडर से टकरा गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुई बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायल शीघ्र स्वस्थ हो ये प्रार्थना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।